एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजा प्रथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के महात्म में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है, उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न, ये बताने की कृपया करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी के महात्म तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण चुनी। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले, तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्धन अपने विशाल नेत्रों से युक्त सिर का जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे कहा, नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या नहीं, कहाँ गए हुए हैं। इस तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घूरते हुए देखा। अरे मैं तुझे से कुछ पूछ रहा हूँ और तू उसका उत्तर भी नहीं देता है, मैं अभी तुझे पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू कौन तुझ दुर्गमति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटादारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हस्त स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु वो जटादाई दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना वत्सल नामक सामर्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए, आप अपने इस तेज को अत्यंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिला है, मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अतः ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। महात्म की कथा जो सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब मैं बताऊँगी तुलसी पे के कुछ उपाय जो कि रमा एकादशी पे आपको अवश्य करना चाहिए। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत रविवार 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर हो रही हुई, इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन एक लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांध ले, फिर उस पोटली को धन रखने वाले स्थान पर या अलमारी में रख दे। मानता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। तरक्की के उपाय, यदि आप करियर कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम का 108 बार जप करें। इसके अलावा विष्णु जी और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के करियर और कारोबार में आ रही दिक्कतें दूर होती और सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। यदि किसी की शादी में देरी हो रही है तो रमा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को 5 सुपारी अर्पित करें। उन सुपारियों को जिसके विवाह में देरी हो रही है उसके कमरे या अलमारी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह अति शीघ्र हो जाता है। तुलसी के छोटे छोटे उपाय करके आप भी अपने जीवन के तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं और माता तुलसी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो आप एक लाल कपड़े में थोड़ी सी तुलसी की जड़ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें, क्योंकि इससे लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास रहेगा। लक्ष्मी माँ कभी भी आपके घर से नहीं जाएंगी। कार्तिक मास में आप तुलसी की माता के जड़ में
कच्चे दूध से उनको सींचे, इससे आपको धन लाभ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए।